रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि बने मंत्री, राज्यपाल आर्यन रवि ने दिलाई पद की शपथ। महाराष्ट्र सरकार रखेगी इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिज पर निगरानी, शिंदे सरकार ने किया 12 सदस्यीय पैनल का गठन। सिद्धू मूसेवाला केस को सुलझाने वाले अधिकारियों को धमकी, 12 ऑफिसर्स को बढ़ाई गई सुरक्षा। एजुकेशन सेक्टर का भगवा करड़ किया जा रहा, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर सीपीआईएम का निशाना। पूर्व सेना प्रमुख जनरल चौधरी ने त्वांग घटना को बताया चीन पाक की साजिश, कहा बीजिंग में रिश्तों को रहेगी टेंशन। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, राहुल गांधी के साथ की पदयात्रा। भीमा कोरेगांव के हिंसा केस के रिपोर्ट में दावा, स्टेन स्वामी को फंसाने के लिए कंप्यूटर में प्लांट किए गए थे सबूत। संसद में बोली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, पंगा मत लेना सरकार को आंकड़े गिनाते हुए पूछा, आप बताइए पप्पू कौन। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत, 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेगा महागठबंधन। बगावत करने वाले धारीवाल, जोशी और राठौड़ को क्लीन चिट, पायलट ने कार्रवाई की पैरवी की थी, गहलोत ने इन्हें बताया था एसेट। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का रूट फाइनल, 3 दिन में 80 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी। हिमाचल के एमएलए विक्रमादित्य मुश्किल में फंसे, पत्नी की शिकायत पर राजस्थान कोर्ट से मिले गैर जमानती वारंट। मोदी की हत्या वाले बयान पर कांग्रेस नेता को जेल, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, बाहर निकले तो दिखाए विक्ट्री साइन। सीबीआई अफसर बनकर लूटे 30 लाख और जेवर, कोलकाता में पुलिस स्टिकर लगी, गाड़ियों से बिजनेसमैन के घर पहुंचे 7-8 लोग, कहा रेड है। जीएसटी छापों से परेशान व्यापारियों के समर्थन में मायावती बोली, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आंदोलन करने को मजबूर है व्यापारी। आगरा में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। छह साल की पुलिस सर्विस के बाद डॉन नीलम, तमिलनाडु में 6 महीने ट्रेनिंग ली थी, मथुरा आरपीएफ में तैनाती मिली, 10,000 थी सैलरी। नोएडा के लोगों का गोल्फ खेलने का इंतजार होगा खत्म, नया गोल्फ कोर्स दिसंबर 2023 में बनकर तैयार होगा।
अलीगढ़ में 700 रुपए के लिए दुकानदार को मारी गोली, उधारी के रुपए मांगने पर भड़का आरोपी, साथियों संग किया फायरिंग। लखनऊ में सराफा को गन पॉइंट पर लूटा, गनपट्टी पर पिस्टल चलाई, चाकू से बैग काट दिया, 10 लाख के जेवर लेकर हुए फरार। व्यापारी अपहरण, फिरौती मांगने वाला दरोगा सिपाही सस्पेंड, 4 लाख रुपए के लिए किया था अपहरण, जिस दरोगा पर आरोप है। ट्रैक्टर में फंसकर 10 मीटर तक घसीटा बाइक सवार, बरेली में कैंट हादसे में ट्रैक्टर टाली छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। बिजली मीटर में खेल करने वाले उपभोक्ता भी रडार पर, एसटीएफ ने बिजली विभाग से ऐसे उपभोक्ताओं की लिस्ट मांगी है। महोबा में सड़क हादसे में मामा की मौत, भांजा घायल, अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, घर से बगरौनी जा रहे थे दोनों। डॉग की तरफ भौंकने लगा मासूम, 1.5 महीने पहले कुत्ते ने काटा था, घर पर नहीं बताया, अचानक तबियत बिगड़ने के बाद हुई मौत। वाराणसी में अगले साल अगस्त में होगी G20 की बैठक, डिप्टी सीएम केशव ने बताया 4 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होंगे विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष। बिगड़ी बस, 6 यात्रियों की मौत, 21 घायल, लुधियाना से जा रही थी रायबरेली। बैराज में 70 लाख की चरस बरामद, भारत नेपाल सीमा से महिला गिरफ्तार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। बीएचयू ने 5 रिसर्चर को किया निलंबित, उमंग, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हुई थी तीखी झड़प, अपशब्द बोलने पर हुई कार्रवाई। बरेली में पिल्लों की पूंछ और कान काटकर खा गए युवक, प्रत्यक्षदर्शी बोले 2 पिल्लों को पकड़ कर ले गए, शराब पीने के बाद खाए मांस। मेरठ में मानसिक दिव्यांग की पीटकर हत्या, 2 भाइयों के विवाद में हंसने की मासूम को मिली सजा। रायबरेली में लगी भीषण आग, दुकान पर रखे छप्पर में अराजकता तो नहीं लगाई आग, फायर ब्रिगेड ने पाए आग पर काबू। अमरोहा में स्कूटी निकालने वाले को लेकर बीच सड़क पर मारपीट, पुलिसकर्मी के सामने भी नहीं रुक सके, सिपाही ने दोनों को हिरासत में लिया। एक्शन में नोएडा पुलिस कमिश्नर, 60 पुलिसकर्मियों को इंटरनल ट्रांसफर, इसमें 43 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी, 17 कनेक्शन काटे, डीवीएनएल की टीम ने सिकंदरा क्षेत्र में की चेकिंग, विजिलेंस टीम भी रही साथ। प्रयागराज के किसानों को बड़ा तोहफा, जनवरी से शुरू होगा जैविक उत्पादों का प्रदेश का पहला बाजार। पीलीभीत में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक, देर रात गया था फोन पर, 200 मीटर दूर खड़ी मिली बाइक, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में स्कूली बच्चों के लिए सीओ की पाठशाला, डॉक्टर अनूप ने छात्राओं को समझाए कोई परेशान करे तो कैसे ले पुलिस की मदद। सीतापुर में प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई, हैंडपंप रिबोर को लेकर की शिकायत।
गाजियाबाद में कारवां परिवार में कुत्तों को लेकर विवाद आया सामने। डॉग लवर, पशु प्रेमी और विरोधी आए आमने सामने। कानपुर में दूल्हे का एक हाथ नहीं होने पर शादी से इनकार। बारातियों और घरातियों में जमकर चले ईंट पत्थर। पुलिस ने दोनों पक्ष को ले गई थाने। लखनऊ में राजू श्रीवास्तव के नाम पर चौराहे का हुआ लोकार्पण। लोकार्पण में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मेयर संयुक्ता भाटिया रहे मौजूद। रायबरेली में दबंगों ने युवती को जमकर पीटा। दबंगों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में कायमगंज विधायक डॉक्टर सुरभि को मिली बड़ी जिम्मेदारी। महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति का बनाया गया सदस्य। उत्तराखंड के रुड़की में स्कूल प्रबंधक ने की कक्षा 3 के बच्चे की पिटाई। इलाज के दौरान मौत। स्कूल में जमकर हंगामा। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की एक और छात्रा ने विवि के डॉक्टर पर लगाए संगीन आरोप। इलाज के नाम पर करता था फिंगर टेस्ट। चीन से सटी उत्तराखंड की 345 किलोमीटर की सीमा तवांग में संघर्ष के बाद बढ़ी सतर्कता। -10 डिग्री में डटे हिमवीर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। साझा की सशक्त उत्तराखंड प्रदेश की थीम। उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान। वर्तमान और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नियुक्तियों की लेकर रात दिग्गजों ने में टकराव शुरू हो गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में शराबी युवकों ने मचाया तांडव। विरोध करने पर स्थानीय नागरिकों को पीटा। महिलाओं के कपड़े फाड़े। उत्तराखंड के हरिद्वार में भ्रष्टाचार के में फंसे पूर्व डीएफओ किशन चंद की गिरफ्तारी को विजिलेंस ने टाला डेरा। जल्द होगी कुर्की। उत्तराखंड के देहरादून में जंगल में बनी 15 मजारों पर चला बुलडोजर। अब अन्य शहरों में भी होगी कार्यवाही। उत्तराखंड की जनता को लगने वाला है महंगाई का करंट। घाटे की भरपाई को बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी। वंतरा मामले में मुख्य आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य पर ड्राइवर ने लगाए कुकर्म के प्रयास का आरोप। केस दर्ज। उत्तराखंड में बिना अनुमति नहीं कर सकते डिजिटल साइनिंग अथॉरिटी का प्रयोग। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मामले ने पकड़ा तूल। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री आर्य का बयान। बोले कांग्रेस में जितने लोग उतने ही गुट। हर कोई सीएम की दौड़ में शामिल। उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स की कंपनियों का कार्यकाल बढ़ाने पर मंथन। रक्षा मंत्रालय ही उठाए खर्च, चाहती है सरकार। उत्तराखंड के चीन सीमा पर अलर्ट बढ़ा। होती को फिर निशाना बना सकता है ड्रैगन। पहले भी 63 बार कर चुका है घुसपैठ। उत्तराखंड में शिक्षकों की 2648 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक का पुलिस मुख्यालय पर हमला। बसों और कारों के क्या आगे आग के हवाले।
पाकिस्तान के गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव ने करा हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका, पाकिस्तान का आरोप। अरुणाचल में भारत चीन के सैनिकों की झड़प पर संयुक्त राष्ट्र चिंतित, बोले दोनों देशों को सुनिश्चित होना चाहिए कि क्षेत्र में तनाव न बढ़े। यूएन ने सोशल मीडिया पर नफरत व गलत अफवाह फैलाने पर जताई चिंता, कहा जिम्मेदारियों को समझे कंपनी। जापान में बच्चे पैदा करने पर मिलेंगे 3 लाख रुपए, कम हो रही है युवाओं की जनसंख्या के चलते उठाया गया कदम, बढ़ाई सहयोग राशि। क्रेमलिन में फ्लू की दहशत, ब्रिटिश मीडिया का दावा, बंकर में छिपे पुतिन, रूसी राष्ट्रपति को कैंसर होने का दावा। भारत पाक के बीच बातचीत कराने की कोशिश, इस्लामी देशों के संगठन ने कहा हमारा प्लान तैयार, भारत बोला दखल अंदाजी न करें। यूक्रेन की सेना में शामिल हो रहे ताइवान के लड़के रूस से लड़कर शहीद हो रहे, चीन को बताया वजह। ट्वांग झड़प पर भारत के सपोर्ट में आया अमेरिका डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा चीन उकसाता है, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका में समलैंगिक विवाह को मान्यता, राष्ट्रपति बाइडेन ने सेम सेक्स मैरिज बिल पर साइन किए, इसे कानून बनाया। बर्नार्ड एर्नोल्ड बने दुनिया में सबसे अमीर, एलन मस्क दूसरे नंबर पर पहुंचे, अडानी तीसरे नंबर पर। पेटीएम के शेयर बाय प्लान को मंजूरी, 810 रुपए की कीमत पर 850 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीदेगी कंपनी। नवंबर में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 28% बढ़ी, मारुति सुजुकी ने बेची सबसे ज्यादा 1.33 लाख गाड़ियां। चीनी कंपनियों पर संसद में सरकार का जवाब, भारत में 3,500 कंपनियों में चीनी डायरेक्टर, इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं। एशियाई विकास बैंक ने 2022-2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान में नहीं किया परिवर्तन। G20 देशों को 500 अरब डॉलर का निर्यात कर सकता है भारत, बिक सकती है ग्लैंड फार्मा। ₹22 लाख करोड़ का बढ़ सकता है GDP का आकार, राजकीय घोष, घाटा में 3.3 लाख करोड़ बढ़ेगा। रेलवे को लेकर सरकार का यू टर्न, सरकार ने रेलवे स्टेशनों की मौद्रीकरण के लिए PPP मॉडल का प्रस्ताव वापस लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद की दी जानकारी, 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का फंसा कर्ज बैंकों ने बट्टे खाते में डाले। म्यूचुअल फंड में निवेश में पहली बार 40 लाख करोड़ पार, बीते 4 साल में 24 लाख करोड़ से 40.37 लाख करोड़ रुपए पहुंचा AMU। सेमीफाइनल में मेसी से ज्यादा चला अल्वारेज का जादू, 10 साल पहले मेसी के फैन थे, खिंचवाया था फोटो, अब मिलकर क्रोएशिया को हराया। भारत के बॉलिंग कोच पारथ ब्राह्मवानी ने उमेश यादव को लेकर दी प्रतिक्रिया, बोले उन्हें नहीं मिले ज्यादा मौके।
इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। पीसीबी ने जारी किया वनडे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल। दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप में भारत की लगातार तीसरी जीत। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। कोच मैकडोनाल्ड का वार्नर पर बड़ा बयान, बोले वार्नर भारत दौरे में ऑस्ट्रेलियाई टीम की रणनीति का हिस्सा। अर्जेंटीना फाइनल में अल्वारेज ने मेसी से ज्यादा किए गोल। तेईस दिसंबर को कोची में आईपीएल का मिनी ऑक्शन। 405 खिलाड़ियों की लगेगी बोली। 87 स्लॉट खाली, 19 प्लेयर्स का बेस प्राइस 2 करोड़। बाईचुंग भूटिया बोले अर्जेंटीना वर्ल्ड कप की दावेदार। मेसी सबसे ज्यादा मजबूत हथियार, लेकिन मैच पेनल्टी शूटआउट तक गया तो पलटेगा पासा। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ का कार एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में भर्ती। उमरान मलिक पर वसीम जाफर का बड़ा बयान, कहा वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में अच्छा करेंगे उमरान मलिक। जलपरी बन इवेंट में पहुंची जानवी कपूर, यूवर्ट बॉयफ्रेंड रोहन के साथ थामे हाथ नजर आई। तीस साल बाद लौटी ओयो गर्ल सोनम, बोली मैंने इंडस्ट्री की कद्र नहीं की। 17 साल में फिल्म छोड़ना जल्दबाजी का फैसला था। वीड़ा के बेटे का कबूलनामा, कहा 15 करोड़ की जमीन हड़पना चाहता था, मां नहीं मानी तो बेसबॉल बेट से पीट कर मार डाला। शिल्पा शेट्टी ने जिम में जमकर बहाया पसीना, वीडियो शेयर कर दिया मंडे मोटिवेशन, बताया एक्सरसाइज के फायदे। शालिन चोपड़ा और पूनम पांडे को बड़ी राहत, पोर्नोग्राफी केस में मिली जमानत। कोर्ट ने कहा आरोपियों की जांच में सहयोग करेगा। कलीना एयरपोर्ट पर पापा के साथ दिखी अनन्या पांडे, संजय कपूर, शनाया कपूर के साथ आदित्य राय कपूर भी स्पॉट हुए। कांतारा जैसी फिल्में करना चाहते हैं कार्तिक, बोले मेरा खून देशी है, जमीन से जुड़े मुद्दे पर फिल्म करना पसंद करूंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शेयर किया फिल्म हड्डी का लुक, 3 घंटे में किया ट्रांसफॉर्मेशन, वीडियो देख एक्साइटेड हुए फैंस। अरबाज खान का हुआ गर्लफ्रेंड जॉर्जिया से ब्रेकअप, एक्स वाइफ मलाइका बोली मैं उस टाइप की नहीं जो उनसे ये पूछूं। शाहरुख खान की वैष्णो देवी यात्रा पर हुआ विवाद, माथे पर टीका लगा देख भड़के यूजर्स, बोले एसआर के पठान की वजह से हिंदू बनने का नाटक कर रहे हैं। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।